एटीएम कार्ड को मैनेज करने के लिए सबसे पहले आपको जो है योनो एसबीआई ऐप्स जो है ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, तो आप यहां पे एम पिन से भी लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड है उससे भी आप जो है लॉगिन कर सकते हैं। तो हम एम पिन से लॉगिन कर लेते हैं, तो लॉगिन करने के बाद देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, अपने डैशबोर्ड पर हम आ चुके हैं, तो यहाँ पे कार्ड को मैनेज करने के लिए यहाँ पे थ्री लाइन पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे थ्री लाइन पे क्लिक करते हैं तो नीचे में देखिए एक ऑप्शन आपको मिलेगा सर्विस रिक्वेस्ट का, तो चलिए यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रोफाइल सेटिंग, उसके बाद पेंडिंग रिक्वेस्ट, उसके नीचे में है एटीएम डेबिट कार्ड, तो यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको पूछा जाता है इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड, इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड यहाँ पे इंटर कर देना है, उसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए मैनेज कार्ड के ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहीं से आप जो है अपने एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड या मास्टर या वीजा कार्ड को यहाँ से ही मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए पहले यहाँ पे सेलेक्ट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो जो भी आपका अकाउंट होगा बैलेंस के साथ आपको दिखा दिया जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट कार्ड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे जो भी आपका कार्ड का नंबर होगा, जितने भी आपके अकाउंट के साथ लिंक होगा कार्ड, तो यहाँ पे आपको शो कर दिए जाएंगे। जिस भी कार्ड का आप मैनेज करना चाहते हैं तो उस कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, तो फिलहाल मेरा जो है अकाउंट के साथ एक ही कार्ड है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो ये क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए मैनेज यूजिंग, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाता है। यहाँ पर बहुत सारा आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो यहीं से आप जो है अपने कार्ड को मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन ऑप्शन का क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या सुविधा है, तो यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहला नंबर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है एटीएम डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन। अगर आपको जो है एटीएम डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन अगर बंद करना है आपको, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, इसको इनेबल डिसेबल कर देना है, तो आपका जो है एटीएम डेबिट कार्ड जो है ट्रांजैक्शन बंद हो जाएगा। अगर आप एटीएम के पास जाएंगे इसको ऑफ़ करके, तो आपको जो है कोई भी आप एटीएम से कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, नहीं आप डिपॉजिट कर पाएंगे। अगर इसको आप चालू करना चाहते हैं तो फिर से इसको क्लिक करेंगे तो आपका चालू हो जाएगा, आप जो है एटीएम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और डिपॉजिट भी कर सकते हैं। तो ये रहा। उसके बाद सेकंड नंबर पे है POS मर्चेंट ट्रांजैक्शन, यानी कि पॉइंट ऑफ सेल जो मर्चेंट ट्रांजैक्शन, जैसे कि हो गया पेट्रोल पंप व्यापारियों के पास होता है, दुकानदार के पास होता है, जो कि मेरे स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे। अगर आप मर्चेंट ट्रांजैक्शन ये जो ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप इसको डिसेबल कर देते हैं, तो ये जो है आप नहीं व्यापारी के साथ पैसा पे कर पाएंगे, नहीं दुकानदार के साथ पे कर पाएंगे। तो तीसरे स्थान पर है ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन। तो ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन का ये मतलब होता है, जैसे कि आप बड़े बड़े साइट देखे होंगे कि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इसमें जो है प्रोडक्ट आप कोई भी बाय करते हैं, तो अगर आप एटीएम से पे करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका इनेबल बहुत ही ज़रूरी होना होता है ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन। अगर आपके अकाउंट में ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन इनेबल, हालाँकि ये जो है ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन पहले से इनेबल रहता है, लेकिन यहाँ पर जो हम आपको बता रहे हैं, अगर आपको इस ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन को अगर आप डिसेबल कर देते हैं, तो यहाँ से आप जो है बड़े बड़े साइट जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट, कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हैं तो उसको जो है एटीएम के द्वारा आप पे नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से जो है आपका ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन डिसेबल है। तो यहाँ से आप इनेबल इसको कर सकते हैं, तभी आप पे कर सकते हैं। उसके बाद डोमेस्टिक यूजेज, इसका मतलब ये होता है अगर आप इंडिया में जैसे एटीएम डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन हो गया, POS मर्चेंट ट्रांजैक्शन हो गया, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन हो गया, अगर आप इंडिया में ये जो है यूज करना चाहते हैं, यानी कि चालू करना चाहते हैं, तो इसको जो है आप ऑन ही रहने दीजिए। अगर आप इंडिया में चाहते हैं कि आपका एटीएम डेबिट कार्ड चालू नहीं हो, POS यानी कि मर्चेंट ट्रांजैक्शन चालू ना हो, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन चालू ना हो, तो आप जो है इसे डिसेबल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरे इंडिया में सभी ये जो सर्विस चालू रहे, तो यहाँ पर डोमेस्टिक यूजर्स के जो बगल में है, तो यहाँ पर इसको ओपन कर देना है। तो ये हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इंटरनेशनल यूजर, इसका
इसका मतलब ये होता है अगर आप देश से बाहर जाते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेरा ये सर्विस सभी चालू रहे, एटीएम, डेबिट कार्ड, पीओएस, मर्चेंट ट्रांजैक्शन, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन, तो आप जो है इंटरनेशनल यूजर्स के बगल में जो है आप इसे अनेबल कर सकते हैं। लेकिन हमको जो है अभी विदेश नहीं जाना है तो यहाँ पर हम इसको ऑफ ही कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैनेज लिमिट, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलता है। तो यहाँ पे देख लीजिए लिमिट टू बी सेंट इन मल्टीपल ऑफ 5000, यानी कि 5000, 10000, 15000, 20000, ये नहीं कि 5000 से 7000, 8000, ऐसे आपको यहाँ पे लिमिट सेट नहीं करना। जब भी आपको करना है 5000 के मल्टीपल पे आपको करना है, 5000, 10000, 20000, 25000, ऐसे आपको इत्यादि करना है। तो चलिए यहाँ पे जैसे कि हम आपको एक दिन का अगर लिमिट यहाँ पे सेट करेंगे, जैसे कि मेरा पहले से सेट किया हुआ है एटीएम डेबिट कार्ड का लिमिट एक दिन का, तो एक दिन में हम 1,00,000 रुपया निकाल सकते हैं। अगर हम इसको 2,00,000 रुपया करना चाहेंगे तो ये जो आ रहा है तो यहाँ पे आपको क्लिक करके जो है यहाँ पे 2,00,000 रुपया आपको टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे दूसरे स्थान पे है पीओएस ई कॉमर्स, पीओएस यानी कि पॉइंट ऑफ सेल ई कॉमर्स, यानी कि मैंने पहले ही बताया कि अगर आप शॉपिंग करते हैं अमेजान या फ्लिपकार्ट और भी वेबसाइटें हैं तो वहाँ पर जो है आप 2,00,000 से ज़्यादा एक ही कर सकते हैं, यहाँ पर लिमिट दिया गया। अगर आप इसे बढ़ाना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक करके जो है आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, आप 2,00,000, 3,00,000 जो भी आप घटाना चाहते हैं कर सकते हैं, 55 कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया। अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो यानी कि जो भी आपने लिमिट सेट की है सेव करना चाहते हैं तो नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ओटीपी आएगा जो कि आपके मोबाइल रजिस्टर मोबाइल नंबर पे भेजा जाएगा। तो यहाँ पे आप ओटीपी दे देंगे, उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपका जो है ये मैनेज कार्ड सक्सेसफुल हो जाएगा, यानी कि आपके इशारों पर जो है अब काम करेगा। तो यही था मैनेज एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड को कैसे किया जाता है। तो मैंने इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से बता दिया है कि कैसे अपने डेबिट कार्ड या चाहे मास्टर कार्ड चाहे वीज़ा कार्ड हो कैसे मैनेज कार्ड को करते हैं।